या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 309। अल्लाह ताला खुदावंद आलमीन हाजर इमाम, उसकी बहुत सी सिफतें हैं, उसके बड़े कमाल हैं, उसके बड़े वखान हैं, उसके बेहिसाब गुण हैं। खुदा की इन तमाम सिफतों के अंदर से जो बड़े में बड़ी अगर सिफत हमारे लिए है तो वो उसकी रहमत और बख्शिश है। और मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि खुदा की रहमत क्या है। खुदा के तमाम नामों में से रहीम और रहमान कुरान में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया गया, सबसे ज्यादा अगर कोई नाम लिखा गया तो वो रहमान है। रहमान कहते हैं बड़े दिल वाले को। उस परवरदिगार के पास अगर कोई शख्स सच्चे दिल से मुआफी मांग ले और वो हकीकत में खुदा से तौबा करे तो परवरदिगार उसको बख्श देता है, और वो बख्श देता है फिर उसकी सजा नहीं देता। जो चीज अल्लाह ने मुआफ कर दी फिर दूसरी दफा उसकी वो सजा नहीं देता। सिवा के इंसान घड़ी घड़ी उस चीज को रिपीट करे तो फिर खुदा उसको उसकी सजा देता है। हमारे पीरों के गिनानों में खुदा पाक की इस सिफत का बड़ा बखान किया है, बड़ा। जैसा कि एक ये गिनान का पाठ मैंने आपको सुनाया, ऐ मौला हम गुनहगार हैं, पूरे नहीं अधूरे हैं, सिर्फ तेरी आशा रखते हैं कि तू हमें बरकत और रहमत दे। एक जगह गुरपीर हसन कबीर जी कहते हैं, साहेब तेरा करम जो होवे ए शाह फजल जो होवे। आप पीरों के गिनान उठाओ, मुश्किल से कोई ऐसा पेज आप में जाएगा हाथों से कि जिसके अंदर खुदा के हुजूर में कोई आज उसी न की हो रहे। साहेब कहते हैं मालिक को तेरा करम जाने, मैं कुछ नहीं। हम बंदो आओ तेरे द्वार, मैं तेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा भीख मांगता हूं। ए मैया करो तो छूटी है, अगर तू मेहरबानी कर तो मैं छूट सकूं। या शाहजी अरज वे नती हम कहीं सांभरे करिए हमें फरियाद जी।
मेरी अरज सुन, मैं तेरे दरवाजे के ऊपर सवाल करता हूं और मेरा सवाल यह है कि तू मेरे ऊपर रहम कर। खसूसन की हसन कभी दिन के गिना है बेहिसाब कि सदर दिन या कि शम्स की पीछे नहीं रहे इन चीजों से। हमारे तमाम पीरों ने जुदे जुदे तरीकों से खुदा ताला के हुजूर में अपनी आजजियां रखी हैं। ए भने पीर सदर दिन याली हमार गुनहगार गुना बख्शो हमारा याली बख्शन हार भोरे मन श्रेव सृजन मौला। फिर सदर दिन कहते हैं कि जिसकी दुआ बंदगी के लिए मौला ने सर्टिफिकेट लिखा कि सारी जिंदगी उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो क्या फिर भी तीस अगर दिन ने ऐसा कहा कि मैं गुनहगार हूं? नहीं, मौला की बड़ाई के सामने पीर ने अपनी आजजी की है और ऐसी आजजी की है कि गुनहगार न होने पर भी कहता है मैं गुनहगार हूं, तू मेरे ऊपर रहम कर, मेरे ऊपर दया कर। एक और गिनान में फिर सदर दिन कहते हैं बने फिर सदर दिन स्वामी हमें तुम्हारो सर्वे कुछ खाद ए मैया करो तो जिलो छूटे ओ जी मैंने सब कुछ तेरा खाया। परवरदिगार का एहसान माना है फिर सदर दिन ने, एहसान मानने की शुक्र की बात है, यानी मैंने तेरा सब कुछ खाया, कपड़ा लत्ता खाना पीना बाल बच्चे तंदुरुस्ती आबरू इज्जत ईमान सब कुछ तेरी रहमत मेहरबानी से मिला। मैं तो अधूरा और गुनहगार पापी हूं। एक जीरे स्वामी उन्हें आचारी स्वामी बाकी दोष हमारा जी मैं पुण्याचारी हूं। पुण्याचारी यानी आचार से, आचार कहते हैं अमल को, हम नहीं कहते आचार विचार, विचार यानी थिंकिंग, आचार यानी उसका अमल। या मौला मैं उन्याचारी यानी अधूरे अमल वाला हूं, तीन वक्त की दुआ मैं पूरी नहीं पढ़ता, पढ़ता हूं तो मन भटकता है, कभी पढ़ता हूं तो लेट पढ़ता हूं, कभी कभी चूक जाता हूं, कभी कभी भूल जाता हूं, कौन है हमारे में जो पूरा है? अगर तू ये कहते हैं कि हम पूरे नहीं तो हमारा हाल क्या है दीनदारों, हमारा हाल क्या? अगर हम खुदा की रहमत का एहसास कर सकें कि खुदा तो बहुत बड़ा रहीम है, हमारे से अगर इतना भी न होवे कि उसके दरवाजे के ऊपर जाके कहें तू रहम कर, अगर इतना भी कभी हम न कर सकें तो बताओ फिर खुदा की रहमत किस तरह से उतरे। 1934 में फिर सब्जली पेरिस में से जब वापस लौटते थे, स्टीमर निकलने से एक दिन पहले मौला के पास गए, खुदावन मैं कल जाता हूं, मुझे स्टीमर पकड़ने के लिए मार्शल जाना है, शाम की ट्रेन में पेरिस से मार्शल जावे तो दूसरे दिन मार्शल से उसको स्टीमर मिले, मेहमानी रखी, उसकी रहमतें याद करके फिर सब्जली के आंखों में पानी आ गया। सब्जली मिशनरी अरज करते हैं खुदावन कितना बोल के गला भर आया, आगे फिक्रा पूरा न कर सका,
सब्जली कुछ तुमको मांगना है खुदावन मांगो खुदावन तो हिंदुस्तान की जमातों पे रहम कर रो पड़ा मौला फरमाया देखो सब्जली मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की मैं रहमत करता और भी करूंगा लेकिन कभी कभी रहमत वापस आ जाती है। रहमत वापस आने का मतलब जो खुदा का नाशुकरा है कि खुदा उसको पेट भर के खाना दे दे तो खुदा का वो इतना भी ना कहे कि थैंक यू, वो खुदा का नाशुकरा है, उस पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। एक अभन अजाना आदमी जिसको मालूम नहीं वो और बात है, लेकिन एक आदमी जो धर्म को मानता हो उसको ज्ञान मिले, फरमान सुनने मिले, वाजें सुनने मिले, उसको किताबें मिले, वो समझू है, लोगों से मिलता है और अपने चालू जीवन के अंदर हमको रास्ता भूल जाने तो कोई रास्ता बतावे, हम उसका भी थैंक यू कहते हैं, उसका भी शुक्र करते हैं। और परवरदिगार का जो शख्स शुक्र नहीं करता और उस परवरदिगार की रहमत को वह नहीं ढूंढता मांगता उसके लिए, तो जो कि वो मालिक रहमत से सबसे करता है मगर रहमत उसके पास से वापस लौट जाती है कि जो शख्स खुदा की रहमत के लायक नहीं। अभिमानी जो आदमी मगरूर है, जो आदमी पैसे का, खूबसूरती का, ताकत का, सत्ता का, इल्म का, कोई और बात का जिसको फखर है, गरूर है, खुदा की रहमत उस पर उतरती नहीं सिवा के वो मुआफी चाह ले रहे। रसूल खुदा की एक पार्टी थी, पार्टी क्या के लोग सफर कर रहे थे, नबी भी साथ थे। राह में खाने का वक्त आया, सब लोगों ने अपने अपने तंबू वगैरह या बर्तन बासन जो कुछ भी था वो निकाले, रात गुजारनी थी। एक मां अपने छोटे बच्चे को, तीन एक साल चार साल का बच्चा था, एक तरफ बिठा के उसने आग जलाई, खाना तैयार कर रही थी। आग में थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो लकड़ियां और जंगल के झाड़ के जो कुछ भी पत्ते बत्ते थे वो डालती थी तो आग भड़कती थी। जब आग भड़कती थी तो माँ अपने बच्चे को खींच के अपने खोड़े में बिठा लेती थी, फिर जब आग ठंडी हो जावे फिर उतारे और लकड़ियां डाल के जब आग में भड़का हो वो फिर बच्चे को खींच ले। ऐसा बैठे बैठे उस औरत को ख्याल आया कि मैं एक माँ होके मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा प्यार करती हूँ। आपको याद है ऐसी ही टाइप का मैं एक और भी दाखला दिया करता हूँ कि जिसकी माँ, एक माँ था जिसका बच्चा गुम हो गया था, मैं माँ होके मैं अपने बच्चे को इतना प्यार करती हूँ, मैं उसको दुख तकलीफ से कितना बचाती हूँ, तो हमको पैदा करने वाला हमारा मालिक क्या वो हम माँ के प्यार से ज्यादा हमको नहीं चाहता। उठ के आई, बच्चा गोद में था, कुछ लोगों को इर्द गिर्द बिठाए के नबी साहब धर्म की चर्चा करते थे, बातें करते थे, लोगों के सवालों के जवाब देते थे। बच्चे को लेके एक तरफ खड़ी रही, जब नबी साहब बोल चुके, लोगों की गर्दनें नीची थी, चुपचाप बैठे थे, इस माँ को वक्त मिला, मौका देखा,
कहती है, या नबी मैं एक सवाल करूं? फरमाया करो। रसूल खुदा की महफिलों के अंदर लोग इस तरह से गर्दनें झुका के बैठते थे, किताबों में लिखा है कि कभी उनके सिरों के ऊपर चिड़ियां बैठी होने, पंछी बैठे होने, इस तरह से वो हिलते जुलते नहीं थे। और मैंने आपको कभी ये बात सुनाई है कि खाना काबा के अंदर मस्जिद हराम में हजरत अब्दुल्ला कभी कभी नमाज के लिए अगर वो जाते थे सजदे में तो इतना लंबा सजदा हो जाता था कि खाना काबा के कबूतर उनके सिर पे आके बैठ जाते थे, ये समझ के कि ये भी कोई बुत होगा, कोई मूर्ति होगी। इतना उनकी कॉन्सेंट्रेशन और खुदा के हुजूर में ध्यान लग जाता था। नबी फरमाया, पूछ बेटा, क्या पूछती है? कहती है, मैं एक माँ हूं, बच्चा गोद में था, आपकी नजर नहीं की थी लेकिन सर हिला के हुंकारा देते थे, मैं अभी अभी आग जलाती थी, जब आग में भड़का होता था तो मैं अपने बच्चे को खींच लेती थी अपनी तरफ कि इसको सेक ना लग जाए। या नबी, क्या अल्लाह एक माँ से ज्यादा प्यार नहीं करता? रसूल खुदा रो पड़े और रसूल खुदा की आंखों में से जब आंसू निकले तो जरा सा एक खस्का भी आया। पता, आदमी जब रोता है तो उसका हलक में से एक किस्म की आवाज निकलती है, होता भर। लोगों ने नजर उठाई, देखा तो नबी करीम रो रहे हैं। लोगों ने रोना शुरू किया। ये मुहर्रम के अंदर मैं आपको रुला नहीं रहा हूं, वो इमाम हुसैन की खातिर नहीं, खुदा की बख्शिश के लिए। नबी फरमाया, बहुत देर तक चुप रहे और फिर बाद में नबी ने फरमाया, अरे असहाबो, ये जो औरत कहती है खुदा की कसम वो सच कहती है कि अल्लाह दुनिया की किसी भी माँ से अपने बंदों को बहुत प्यार करता है। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, दुनिया की कोई माँ, दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं कि जो मेरे जितना तुमको प्यार करता हो, मैं जितना तुमको चाहता हूँ, दुनिया की कोई माँ कोई पिता अपनी औलाद को इतना नहीं चाहता। ये उसकी चाहना है, ये उस परवरदिगार का ख्याल है, ये उसकी रहमत और उसकी बख्शिश है। और हकीकत उसकी रहमत सिर्फ इस तरह से होती है, कभी कभी नबी साहब दुआ मांगते थे, दुआ मांगे तो कहें, ऐ अल्लाह, जिस तरह माँ अपनी पछेड़ी में अपने बच्चों को छुपा लेती है, इस तरह तू मेरे इन मुरीदों के गुनाह, अपने बंदों के गुनाह छुपा ले। और वो छुपा लेता है। माँ की गोद में मुंह रख के जो बच्चा रो पड़ता है, बड़े से बड़ा नुकसान भी माँ की नजर के सामने कुछ हो जाता है, वो बच्चे को कलेजे से लगा देती है। चाहे वो कितना भी बड़ा नुकसान करके आया हो, माँ की गोद के अंदर जब आके वो रो पड़ता है, माँ की रहमत जोश में आ जाती है। यही हाल अपने बंदों का है खुदा के हुजूर में। जब एक इंसान उस परवरदिगार के पास आके अजज और इंकसार से, विनती से वो ये कहता है ना, हम गुनहगार ए बंदा तेरा, हम गुनहगार बंदा तेरा,
तैयार हूं, सब कुछ खत्म हो गया इधर, खुदा की बड़ाई, खुदा का वखान, खुदा की तारीफ, यही तो उसकी बंदगी है। और हमारी आजिज़ी, हमारी बेनती, हमारा रुदन, हमारी गिरियाजारी, हमारी तौबा, हमारी मुआफी, बंदगी की ये जान है, जिस बंदगी में आदमी के मुंह से ये शब्द नहीं निकलते कि हम मौला तू तो पाक है, तू तो पवित्र है, तू तो दयालु है, तू तो बड़ा रहम वाला है, मैं गुनहगार हूं, तुझे मालूम है मैं एक नाचीज आजिज इंसान हूं, मेरे में कई खामियां हैं, मैं भूले कर लेता हूं, तूने मुझे बनाया ही ऐसा है मौला, मेरी नीयत नहीं थी लेकिन गुनाह हो गया, तू मुझे मुआफ कर दे। ऐ मौला मैंने जानबूझ के ये गुनाह किया लेकिन अब मैं कहता हूं फिर नहीं करूंगा, तू मेरी मदद कर। ये जो शब्द हैं ये दुनिया के अंदर इस्लाम दीन ने हमको जो सिखाया वो हमारी इबादत और बंदगी का एसेंस है, एसेंस। पड़ो पीरों के गिना हमारी तमाम दुआओं बंदगियों का इबादतों का जो एसेंस है वो ऐसे शब्द हैं, ऐसे स्वामी महाराज स्वामी स्वामी महाराज हरे आसो हरे सुखा भी हरे है। ए मेरे मालिक, ए मेरे सेठ, ए मेरे धनी, तेरी दृष्टि से लीली और हरी चीजें तो हरी हैं, लेकिन अगर तेरी नजर पड़ जाए तो सूखी चीज भी हरी हो जाए। जो हो वे ए नजर मौला, अगर तेरी नजर हो जाए एक मीठी नजर मेरे पे भी डाल दे, मेरे पे रहम कर, मेरे पे दया कर, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी आजिज़ी कबूल कर, अर्ज़ विनती हम तनी सामड़ो, मेरी अर्ज़ सुन, मेरी आजिज़ी सुन, तू तो दीन दयाल है रहम वाला। जब खुदा के हुजूर में, जब उस मौला के चरण में उसको हाजिर समझ के सामने बैठा हुआ जान के इस यकीन के साथ कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सुनता है, जब अपना दिल खोल के बंदा खुदा के सामने रख देता है, फिर पीरों के शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, तू मुझे क्यों छोड़ दे रहे चाहे तो मैं बहुत खराब हूं, लेकिन लेकिन या मौला मैं भी क्या करूं, मैं किधर जाऊं, तुझे छोड़ी दूजे द्वारे कहां जाऊं साहेब जी, मैं कहां जाऊं, डाल दो उसके ऊपर, मैं किसको छोड़ के किधर जाऊं, तू अगर मेरी बात नहीं माने तो मैं किसके पास जाऊं, उसकी रहमत हिल जाएगी, उसकी रहमत के दरिया में तूफान आ जाएगा, आपकी तमाम मुश्किलों मुसीबतों को दबा देगा, वो अपनी रहमत से नहला देगा, एक प्यारी मां की तरह वो अपने आंचल में छुपा लेगा। इबादत बंदगी का ये मूल है और इस चीज को अपने दिल में पैदा करो दिनदारो, ये सबसे बड़ी चीज है। जीरे भाई रे
लखनी कीजे अमर की आशा निराश आजी ऐसा क्या मने अपने साहेब ने त्रेविये तो पहुंचे मन रानी आशा जी आश तो एक अलखनी रसूलुल्लाह की मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। नबी फरमाया खुदा का एक फरिश्ता जमीन पे आया, आदमी का स्वरूप धारण किया, एक कोड़ी आदमी का जिसको कोड हो गया था, कोड की बीमारी बड़ी खराब, हाथ पांव गल जाते हैं, उंगलियां झड़ जाती हैं, आखिर शरीर में से पीप निकलती है। तो कहने लगा देख मैं खुदा की तरफ से आया हूं, कभी तेरी कोई मुराद हो मांग। कहता मेरा कोड चला जाए, मेरा शरीर अच्छा हो जाए, पाक पाक मेरे को मेरी चमड़ी मिले, वापस मेरे सब अवयवियों अजा मेरे ठीक हो जाए। फरिश्ते ने सिर पे हाथ रखा, एकदम चंगा हो गया, ऐसा राजी हुआ, ऐसा खुश हुआ। उसने उसके पांव पकड़ लिए, कहता तेरे में ये करामत है? कहता हाँ, और मांग क्या मांगता है? कहा कि मुझको 1000 ऊंट दो। अच्छा जाओ तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। फरिश्ता चला गया। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसके सामने, तंबू के सामने 1000 ऊंट और ऊंटनियों का टोला खड़ा था। इतना खुश राजी हुआ, ऐसा एक्साइटेड हुआ कि वो उसको ढूंढने लगा कि मैं कभी शायद कोई तीसरी मुराद भी मांगू, मगर वो चला गया। ये फरिश्ता एक और आदमी के पास गया, वो आदमी सख्त बीमार था, उसके आंखें शरीर के बाल निकल गए थे, मर्द आदमी था, दाढ़ी मूछ आंखें पापन सिर के बाल एकदम ऐसा खराब भयंकर लगे कि वो एक औरत की तरह ओढ़नी ओढ़ के, पछेड़ी ओढ़ के, खाली आंखें और अपनी नाक बाहर रख के तो वे दुनिया में निकले, वो भी काम काज करके जल्दी से घुस जाए, सोसाइटी में आवे नहीं, जावे नहीं, हंसे नहीं, बोले नहीं, बड़ा खराब, दिल टूट जावे ऐसा जीवन गुजार रहा था। उसे मालूम नहीं है फरिश्ता है, कैसे है शक, कभी तेरी कोई मुराद होवे और मैं पूरी कर दूं तो तुम क्या मांगे? कहता है कि मेरे सारे शरीर पे एक मर्द की तरह नॉर्मल मुझे बाल मिल जाए। फरिश्ते ने सिर पे हाथ रखा, फौरन बाल निकल, इतना खुश हुआ, ऐसा राजी हुआ। उसको फिर पकड़ के कहता है तेरे में ये ताकत? कहा हाँ, और कुछ मांगना? कहता हाँ, मुझको 1000 गायें दो। अच्छा जाओ मिलेंगी। वो चला गया, दूसरे दिन उठा तो इसके घर के सामने 1000 गायें घूम रही थी। तीसरे आदमी के पास पहुंचा,
वो अंधा था, उसको भी ऐसा ही पूछा। उसने आंखें मांगी, इसने आंखें दे दी, वो भी ऐसा खुश हुआ। लेकिन इन दोनों की तरह इतना एक्साइटेड हुआ नहीं, कहा ऐसे रिश्ते। क्योंकि ये काम सिर्फ फरिश्तों का है। कहा कुछ भी, मैं तो खुदा का एक आजिज नाचीज बंदा हूँ। और कुछ मुराद है? कैसे मुझे 1,000 बकरियां दे। अच्छा, खुद तो बकरियां दी। फरिश्ता चला गया। 2-3 बरस गुजर गए, ये तीनों बड़े मालदार बन गए। 1,000 ऊंटों में से उसके कई हजार हो गए, 1,000 गायों में से उसकी बहुत सी बढ़ गईं, बकरियां भी खूब बढ़ी। तीनों अपनी अपनी जगह के ऊपर बड़े पैसे वाले, बड़े इज्जत वाले, मान इकराम वाले लोगों के लीडर बन गए, बड़े बन गए। एक दिन फरिश्ता वापस आया, जिस आदमी को कोड था उसके पास गया। जवान चमड़ी उसकी, खूबसूरत चेहरा। क्योंकि ये काम सिर्फ फरिश्तों का है। कहा कुछ भी, मैं तो खुदा का एक आजिज नाचीज बंदा हूँ। और कुछ मुराद है? कैसे मुझे 1,000 बकरियां दे। अच्छा, खुद तो बकरियां दी। फरिश्ता चला गया। 2-3 बरस गुजर गए, ये तीनों बड़े मालदार बन गए। 1,000 ऊंटों में से उसके कई हजार हो गए, 1,000 गायों में से उसकी बहुत सी बढ़ गईं, बकरियां भी खूब बढ़ी। तीनों अपनी अपनी जगह के ऊपर बड़े पैसे वाले, बड़े इज्जत वाले, मान इकराम वाले लोगों के लीडर बन गए, बड़े बन गए। एक दिन फरिश्ता वापस आया, जिस आदमी को कोड था उसके पास गया। जवान चमड़ी उसकी, खूबसूरत चेहरा, थाक माट से बैठा हुआ। पूछा उससे, आओ, क्यों आए हो? कुछ काम है। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाने? नहीं पहचाने। अच्छा चलो, मैं खुदा का एक बंदा हूँ। मैं जरा तंग हो गया हूँ, मुझको खुदा के नाम पर कुछ मदद करो, तुम ऐसे मालदार हो। बोला, देखो, बहुत से लोग हैं कि जिनके हकूक मेरे ऊपर है। हकूक यानी हक, जैसा कि बीवी का, माँ का, बहन का, बच्चे का, रिश्तेदार का, सगे कुटुंबियों का। मतलब यह कि ये इन लोगों की जो जिम्मेदारियां मेरे पे हैं, तो ऐसा माल मेरे पास बाकी नहीं कि मैं तुझे दूं। कहने लगा, तुम भूल गए, जब तुम कोड़ी थे, यानी तुझको कोड़ की बीमारी थी, तेरे हाथ पांव गल गए थे, तेरे शरीर में से बास आती थी, तेरी चमड़ी में से पस निकलती थी, तू लोगों से दूर गांव के बाहर एक मकोड़े कीड़े की तरह, जीवड़े की तरह मौत के पंजे में जाने के लिए तैयार बैठा था। उसमें से तुझको इतनी माल मिलकत रोजी रिजक मिला, और आज तू मुझको मेरी छोटी सी हाजत पूरी करने के लिए मनाही करता। कहता, जा जा, तेरे जैसे तो बहुत से देखे, जा। चला आया, उस दूसरे आदमी के पास गया, उसके साथ भी ऐसा ही सलूक मिला। उधर से अंधे के पास गया, अंधे आदमी को जाके सलाम किया, जो अब अंधा नहीं था, उसकी आंखें सलामत, उसकी बकरियों में खुदा ने बड़ी बरकत डाली, बड़ा मालदार, साहब औलाद बना हुआ था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई, मुझे पहचाना? पहचान तो नहीं सका, लेकिन कुछ भी, आप मेरे भाई हो, आओ, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? ऐसे खुदा का बड़ा शुक्र है कि आपके मुंह से ये शब्द सुने मैंने। उस आदमी ने जवाब दिया, अय खुदा के फरिश्ते, अय नेक इंसान,
मैं एक अंधा था, महताज था, भिख मांगता था। मेरा दुनिया में कोई ठिकाना न था, मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। मैं आंखों के बगैर आधा मर चुका था। उसमें से परवरदिगार ने मुझे आंखें दी, मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी, मुझे औलाद दी, मुझे माल दिया, मुझे इज्जत दी, मुझे ईमान दिया। ये सब कुछ इस परवरदिगार का है। वो देने वाला भी है, वो लेने वाला भी है। जब चाहे वो ले सकता है मेरे से, तो ये माल मेरा तो है नहीं, ये उसी परवरदिगार का है। मैं तेरी क्या खिदमत करूं, बोल क्या चाहिए। मैंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। मगर के अंदर क्या हमारी एक आध तस्बीह का हाजिर इमाम भूखा है? क्या हम दो पांच सलीम पांच पे देते हैं मेहमानी के, इससे क्या वो मालदार बन जाएगा? या हम सुबह उठ के पांच बजे चार बजे उसकी बंदगी इबादत करके दुआ करते हैं तो हमने कोई बड़ा तीर मार लिया खुदा को, उसमें से कोई बहुत कुछ मिल गया? खुदा के सामने इन चीजों की कोई हकीकत नहीं, खुदा के दरबार में इन चीजों की कोई कीमत नहीं। मगर उसकी कीमत होती है कि जो खुदा का बंदा खुदा की बड़ाई करके, खुदा का भरोसा करके, यानी उस पर एतबार रख के तेरा मौला तेरे सिवा मुझे किसी का भी भरोसा नहीं। आशा आज तो एक अलग नहीं कीजिए, ऐ मालिक तू ही सब कुछ है। अल्लाह कुल्ल शयइन कदीर, तू हर चीज का मालिक है। ये मेरे बाल बच्चे माल मिलकत खाना पीना बड़ाई सब कुछ या मौला तूने दिया है, मेरा कुछ नहीं। और तेरी नजर फिर गए तो ये सब चीजें तू एक चुटकी में ले सकता है, एक चुटकी में। टाइम नहीं लगेगा तुझे ले लेने में। या मालिक तू मुझे तौफीक नेक दे, मैं तेरा आजिज बंदा बनूं, मैं ऐसे काम करूं कि तू मेरे पे राजी रहे, मैं ऐसा कलाम करूं कि तू मेरे पे खुश रहे, मैं ऐसे जगह पे जाऊं कि मैं तेरी इबादत की तरफ जाऊं। या मालिक ऐ मेरे हाजिर इमाम, तेरा शुक्राना, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तेरी रहमत से मैं तुझे याद करता हूं। ये चीज हमारी इबादत का हेतु है, इसी चीज का नाम इबादत है। दुआ पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, नियाज दियो, जमात खाने आओ, बस ख्याल की इबादत करो, दसवन दो, मेहमानी इजहार सुखरा दुनिया दीन का कुछ भी काम करो, टेबल पे बैठ के रोटी देख के ठहरो, हाथ डालने से पहले उस खाने को देख के मौला को कहो या मौला तूने मुझको ऐसा खाना दिया। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं कि जो इस खाने की एक लुकमे के लिए तरसते हैं, और तूने मुझको ऐसी नियामतें दी, तेरा बहुत शुक्र मालिक, फिर खाना खाओ, उसका शुक्र करो, पेट भर जाए, उसको याद कर, खुदा बंदा तूने मेरे पेट में रोजी रिजक दिया, तेरा बे इंतहा शुक्राना। अगर तू चाहता तो मेरा लुकमा मुंह तक न पहुंचता और तू मेरा रूह कबज कर सकता था। है तुम्हें के गिनान में ना, है ना गिनान में, तो मुंह में रहे जरा, तुम्हारे मुंह में लुकमा रह जाएगा, ऐसा ही तुमको चबाने की फुर्सत नहीं देगा वो। इतनी ताकत मौला में है या नहीं है? अगर वो इतना ताकत वाला है तो फिर हमारी ताकत क्या, हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या, हम किधर गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। जमीन पर पड़ी हुई खाद का एक छोटा सा जर्रा भी हमारी हैसियत नहीं। ये इबादत और बंदगी है। अपनी तमाम जिंदगियां, अपना खाना पीना, अपने बाल बच्चे, अपना रोजगार, अपनी तंदुरुस्ती, उसमें खुदावंद आलमीन का शुक्र करो, ये उसकी रहमत है। इंशाअल्लाह मौलाना हज़रत इमाम आपको दो जहान में बरकत दे दें।
ईमान की सलामती दे रहे, हकीकत ही समझ दे रहे, उसकी आवाज रखे, नेक मुरादें पूरी करे, बदियों बुराइयों और गुनाहों नाफरमानियों से बचा के रखे। मौला बापा दीन दुनिया में आपको खैर बरकत दे रहे, मौला बापा आपके दुश्मनों को आपके शैतान को दूर करे, जहर बातिन दीदार नसीब करे। सन के गले में हार है, हीरा मान जरिया जिसको भावे भया है।